फर्स्ट टॉपिक है बोनस अदर देन डायरेक्टर्स। देखो, कंपनी में दो तरह के लोग होते हैं, या तो डायरेक्टर होंगे या डायरेक्टर नहीं होंगे। डायरेक्टर्स हैं तो उनके बोनस की वर्किंग कुछ अलग तरीके से होती है, और अदर देन डायरेक्टर यानी मैनेजर, स्टाफ, गेट कीपर वगैरह 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 कोई भी हो, उसके बोनस की वर्किंग का स्टाइल और तरीकेकार अलग है। सबसे पहले याद रखना, हम हैंडआउट से देखेंगे तो हैंडआउट में हमारे पास एक टर्म हमने लिखी है कि अदर देन डायरेक्टर्स, एक बॉक्स बना हुआ है, मैं वो बॉक्स यहाँ शेयर करता हूँ कि डायरेक्टर्स के अलावा जो भी कोई है उसके बोनस को कैसे करना है। तो आपने ये दो डेट्स को पकड़ना है, जिस दिन कंपनी ने बोनस दिया, क्या डेट्स पकड़नी है, जिस दिन कंपनी ने बोनस दिया वो डेट ले लो, जिस दिन कंपनी ने बोनस दिया वो डेट ले लो, और जिस दिन इंटाइटल्ड हुआ, इंटाइटल्ड बोलते हैं जिस दिन उसको खबर दे दी क्या भाई तुझे बोनस मिलेगा। एक होता है इंफॉर्मेशन देना, यानी भाई आपको मुबारक हो, कंपनी आपको बोनस देगी, मुबारक हो, ये बोल दिया यानी इंटाइटलमेंट, आपने वायदा फरमा लिया कि भाई तेरे को कंपनी बोनस देगी, जिस दिन वादा किया वो है डेट ऑफ इंटाइटलमेंट, जिस दिन वादा किया वो है डेट ऑफ इंटाइटलमेंट, इंटाइटलमेंट और जिस दिन दिया वो है डेट ऑफ पेमेंट। यहां तो कोई तकलीफ? सही अभी जो करते कैसे हैं, तो हम एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे, एक छोटी सी एग्जांपल बनाएंगे। हम लिखेंगे भाई दो बोनस हैं, बोनस नंबर वन, बोनस नंबर टू, दो बोनस। डेट ऑफ इंटाइटलमेंट में लिख देता हूँ 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2023। डेट ऑफ रिसिप्ट या डेट ऑफ पेमेंट बाय द कंपनी, रिसिप्ट इंप्लॉय के लिए होगा और पेमेंट कंपनी के लिए होगी, सेम डेट होती है। ये मैं लिख देता हूँ 10 अप्रैल, दो हजार बाईस, और 10 अप्रैल 2023। इस बोनस का अमाउंट है 10,000, इस बोनस का अमाउंट है 15,000। आपका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या, हमारा एनुअल सैलरी में बोनस प्लस होता है। एनुअल सैलरी में बोनस क्या होता है, होता होता है। तो इन दोनों में से कौन सा बोनस लेना है और कौन सा छोड़ना है, ये आज हमने सीखना है इसमें, कि ये अदर देन डायरेक्टर है, ये कंफर्म है, मैंने कह दिया कि हम डायरेक्टर का काम अभी नहीं कर रहे। सॉल्व कैसे होगा, तो याद रखिएगा आपने इन दोनों डेट्स में अर्लियर ऑफ लेना है। ये इलस्ट्रेशन लिखी हुई, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा दूसरे कलर से। मैं कलर यूज कर रहा हूँ ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर से आंसर है। हमने अर्लियर ऑफ पकड़नी है, अर्लियर ऑफ यानी इन दोनों डेट्स में से बोनस वन की, 1 मार्च और 10 अप्रैल, दुनिया में पहले कौन सी डेट तशरीफ लाई थी, मुझे बता सकती हैं आप? 1 मार्च 2022 है। दूसरे बोनस में से कौन सी डेट लेंगे, अर्लियर, दुनिया में 1 मार्च 23 पहले आई थी या 1 अप्रैल 23 पहले आई थी, 10 अप्रैल पहले आई थी? कॉलम वाइज चलो, बोनस वाइज चलो। बोनस वन पे आपने सिलेक्ट कर लिया, अब बोनस टू पे आओ, बोनस टू पे सिलेक्ट करो 1 मार्च या 10 मार्च, कौन सी डेट दुनिया में पहले आई थी? 1 मार्च यहाँ पे भी यही हो गया, ये सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद क्या करने का, सिलेक्शन के बाद हमारा प्यारा मोहतरम मुकर्रम, हमने बनाना है टैक्स ईयर।
हमारा टैक्स ईयर कब शुरू होता है? 6 अप्रैल बाईस सिक्स अप्रैल और खत्म कब होता है? 5 अप्रैल इसको हम 22-23 बोलते हैं। जो आपने अर्लियर ऑफ डेट सिलेक्ट की है ना, जिस पे ग्रीन सर्कल है, उस डेट को इसमें पोस्ट करो। क्या 1 मार्च 2022 इसमें आता है? पहले आता है। हाँ इसमें तो नहीं आता ना। क्या 1 मार्च 2023 इसमें तशरीफ लाता है? हाँ, ये डेट आती है सर। तो देखो, बोनस 1 की डेट नहीं आती, इसको खल्ली वल्ली करा देंगे, बोलेंगे निकल इधर से, नहीं लेंगे हम तेरे को। बोनस 2 की अर्लियर ऑफ वाली डेट आती है, तो इसको हम बोलेंगे तू ही अपना भाई है, हम तुझे लेंगे। गॉट इट? सही है। तो जो इसमें आ जाएगा अर्लियर ऑफ में, उसको हम अपनी एनुअल सैलरी, फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ भी एनुअल सैलरी होती, उसमें बोनस की ये वर्किंग हुई और आप ये 15,000 पूरे का पूरा इसमें ऐड फरमा लेंगे। कहानी खत्म, पैसा हजम। एक सवाल आता है, सर सर अज्यूम करें दोनों बोनस जो है ना वो टैक्स ईयर में फॉल कर जाए तो क्या करेंगे? तो बेटा दोनों ले लेंगे। 10 बोनस हो और 10 के 10 बोनस का अर्लियर ऑफ हमारे मोहतरम मुकर्रम 22-23 में फॉल करे, तो हम 10 के 10 बोनस की अमाउंट को अपनी एनुअल सैलरी में प्लस कर लेंगे। ये प्रोरेट नहीं होता। भैया ये हमने अदर देन डायरेक्टर का बोनस कंप्लीट किया। एक रिवीजन किट में क्वेश्चन है, कैप्लान में, टैक्स के कैप्लान में हम उसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ये किट का क्वेश्चन, डोंग, क्या लिखा हुआ है? डोंग डायरेक्टर है, डोंग इम्प्लॉय लिखा हुआ है। इम्प्लॉय मतलब नॉर्मल, जिस तरह सीखा उस तरह से करना है। अब ये पता चला कि भाई डोंग को बोनस मिलता है, तो हमने अपना रूल निकाला। अर्लियर ऑफ लेंगे सर, डेट ऑफ एंटाइटलमेंट और डेट ऑफ पेमेंट। कंपनी के लिए डेट ऑफ पेमेंट, हमारे लिए डेट ऑफ रिसिप्ट, एक ही बात है। दो बोनस, बोनस पहला है 2800 का अमाउंट है, दूसरा बोनस का अमाउंट है 3300। 2800 एंड 3300 आर द अमाउंट्स ऑफ बोनस। जरा गौर से पढ़ते हैं, उसको रिसीव हुआ इस डेट को, ये डेट ऑफ पेमेंट हुई कि नहीं हुई? दूसरा वाला कब रिसीव हुआ? 3 अप्रैल को। डेट ऑफ पेमेंट हुई कि नहीं हुई? एक के लिए रिसीव्ड तो कंपनी के लिए पेमेंट, एक ही बात है। चलो भाई कहानी खत्म हो गई। क्या क्वेश्चन में डेट ऑफ इंटाइटलमेंट कहीं नजर आ रही है? मेरे अजीज हम बतनों, कहाँ नहीं भी है? मुझे तो डेट ऑफ इंटाइटलमेंट नजर नहीं आ रही सर। ये जो 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर 22 है, ये क्या है? तो बेटा ये लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर, उस साल की परफॉर्मेंस। क्या मैंने बोला था कि साल की परफॉर्मेंस को भी देखना? मैंने बोला था स्पेसिफिकली कि डेट ऑफ इंटाइटलमेंट को देखना। तो भाई डेट ऑफ इंटाइटलमेंट तो सर मुझे नजर नहीं आ रही, तो नजर नहीं आ रही तो नॉट अवेलेबल है ना बाबा। नहीं दी हुई डेट ऑफ इंटाइटलमेंट तो खल्ली वल्ली, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं दी हुई वो बदमाश है, HMRC से बड़ा बदमाश कोई है नहीं। उन्होंने नहीं दी तो नहीं दी, एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं। जिस साल से बोनस का ताल्लुक है उसका क्या करेंगे? मैंने बताया कि उसका कुछ करेंगे, मैंने क्या कहा? दो डेट्स लेनी है, डेट ऑफ इंटाइटलमेंट और डेट ऑफ पेमेंट। दोनों में से जो डेट दी हुई थी वो ले ली, जो नहीं है उसको खल्ली वल्ली करा दिया। और अब अर्लियर ऑफ लेना है तो सर ऑब्वियस हो गया, एक ही डेट अवेलेबल है, तो इस बोनस की ये अर्लियर है और अगले बोनस की ये अर्लियर है। फिर सर आप कहते थे कि हमारे मोहतरम मुकर्रम प्यारे से टैक्स ईयर में इसको मैच कराओ, तो चलो भाई करा दो।
6 अप्रैल 22 आती है नहीं आती? आती है। 3 अप्रैल 23 आती है नहीं? आती है। तो भाई दोनों बोनस आते हैं, वल्लाही दोनों बोनस आर गोइंग टू बी एडेड इन योर एनुअल सैलरी। खलास, यू मस्ट एड बोथ बोनसेस फुल अमाउंट 2,800 एंड 3,300 इन योर एनुअल सैलरी। दैट्स इट, दैट इज अ ट्रीटमेंट फॉर बोनस अदर देन एम्प्लॉईज। गॉट माय पॉइंट? सॉरी, अदर देन डायरेक्टर्स, दैट इज अ ट्रीटमेंट फॉर द बोनस other than directors, and that's all. ठीक है।